अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस क्या होते हैं और इसके इलाज के लिए जो है क्या करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हफीज़ आप सुनाएं। सर बहुत सारे ऐसे हमें क्वेश्चन मिलते हैं कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ये एक्चुअल में है क्या और इसका इलाज जो है कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। फिर मैं एक बात करूँगा कि जी जो इंसान वक्त के साथ चलते हैं ना, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बच जाते हैं। जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलते वो इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि मोस्टली लोग पूछते हैं कि जी आप क्या करते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को मजाक में कहता हूँ कि जी मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन का इलाज करता हूँ। तो उनका अगला सवाल होता है कि आप दवा के ज़रिए इलाज करते हैं या दुआ के ज़रिए इलाज करते हैं। तो मैंने एक को हंस के बोला कि जी ना मैं दुआ के ज़रिए इलाज करता हूँ ना मैं दुआ के ज़रिए इलाज करता हूँ, मैं अपनी बातों से अगले बंदे का इलाज करता हूँ। हफीज़, जो एक बात होती है कि जो लोग वक्त के दहाड़े के उल्ट चलना शुरू हो जाते हैं ना, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग वक्त से आगे चलने की कोशिश करते हैं या वक्त से पीछे चलने की कोशिश करते हैं, वो इन इमराज में मुब्तला हो जाते हैं। अगर आप, मैं मिसाल देता हूँ, आज 6 जुलाई है, अगर मैं 5 जुलाई की तल्ख यादों को निमटाने की कोशिश करूँगा या 7 जुलाई के जो कि आने वाली है उसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर दूंगा, इंकशाफात करना शुरू कर दूंगा, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ना वो मुझे ज़हनी तौर पे कमज़ोर करेंगी, ज़हनी तौर पे परेशान करेंगी, ज़हनी तौर पे उदास करेंगी, तो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी। जो कि आजकल पूरी दुनिया में डिप्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि हर चौथा बंदा जो है या हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला है, इन्हीं वजूहात की बिना पर कि वो तल्ख यादों को समेटने की कोशिश करता है या उनसे निमटने की कोशिश करने में लग जाता है। अगर हाल को हाल के साथ आप गुजारेंगे ना, तो आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप वक्त से तेज़ भागने की कोशिश करेंगे या वक्त से आहिस्ता चलने की कोशिश करेंगे, तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। और डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से बचने के लिए आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इंसान जो है वो वक्त के साथ चले, अपने हाल में जिए, आज जो लम्हा है, जो इस वक्त दिन है, उस दिन कि आप एक छोटी सी छोटी खुशी को महसूस करें, उस छोटी सी छोटी छोटी खुशी को आप इंजॉय करें, तो आप बहुत सी ज़हनी परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये एक आसान तरीका कार है जो कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़हनी दबाव से बचा सकता है। थैंक यू सर, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। बेसिकली जारी सी बात है कि जब इंसान जो है वक्त से पहले या फिर वक्त के बाद के बारे में जो है सोचता है, तो उसे परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो है इंसान को चाहिए कि वो वक्त के साथ जो है चले, ताकि ना तो उसे जो है स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो और ना ही वो डिप्रेशन की तरफ जाए। सफरम आपका शुक्रिया कि आपने जो है टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जो है आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।